फैमिली की जो खतरनाक प्लानिंग होती है सौर्य को रोकने की, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जो पता चलती है कि अलका ने ही उसको उसकी माँ से दूर किया था। इसको पहाड़ से नीचे फेंकने वाली अलका ही थी। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो इस बार घर से होती है, जैसे ये लोग नीलामी के लिए निकलते हैं तब तक सौर्य आ जाता है और सौर्य को रोकने के लिए अंदर आते ही इमली दरवाजे पर ताला लगा करके चाबी को फेंक देती है। इमली की चाल यहाँ पे ये होती है कि ये इधर में नीलामी हो जाएगी और सौर्य कभी पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे बिल्डिंग होने लगती है। तो उसकी बोली 75 लाख से शुरू होती है जो 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। हालांकि इनकी हार होती है और मालती जीत जाती है। वो इस घर को अपने नाम करवा लेती है और ये खुशखबरी बहुत जल्दी अपने भाई को सुनाती है। हालांकि वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो इमली को हराता तड़पता हुआ देखना चाहता है। इमली उसके पैरों पड़ जाती है। वो चाहती है कि सौर्य यहाँ से चला जाए, कभी सामने ना आए, क्योंकि ये अगर सामने आता है तो उन सबका दिल टूट जाएगा। वो खुशी मना रहा होता है, मानो जैसे वो पूरी तरीके से जीत गया हो। हालांकि दरवाजे को एक खोल देता है जैसे घर के सभी लोग आते हैं। जब ये उनके सामने आता है तो दादी तो वहीं पे बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है। जब उनको वापस होश आता है तो ये उसको घर में ही रोक लेती है कि तुम यहीं पे रह जाओ। वैसे भी घर को तो तुमने खरीद लिया है, हम लोग कल सुबह ही होते इस घर को खाली कर देंगे लोग। और जब अलका यहाँ पे उसको देखती है तो सच उसको देखने के बाद में जो अतीत याद आती है वही पूरी स्टोरी लाइन को चेंज करने की दम रखती है। पता चलता है कि अलका नहीं, जब इसका जन्म हुआ था तो पहले तो यही पैदा हुआ था जो बड़ा था अगस्त से, और इसको ही अलका ने उठा करके इसको लगा कि एक ही बच्चा है तो ले जाकर इसको फेंक दिया था। हालांकि दूसरा बच्चा भी हुआ था और ये बातें अलका को नहीं पता थी। जहाँ पे दादी उसको बोल देती है कि तुम मेरे पोते जैसे हो, तुम्हारा दिल भी उसके जैसा ही बहुत ही साफ है। लेकिन इमली की तरफ में वो देख करके ऐसे मुस्कान दे रहा होता है जैसे मानो कि अब इन सब पे उसका कब्जा हो चुका है। और इमली के मन में भी सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि देखते ही देखते ये कहानी बदल गई। तो यूं तुमसे नहीं, तुम्हारे बर्ताव से मन रुक गया, और क्या ही कयामत है कि तेरा राजा बदल गया और मेरी रानी बदल गई। वो भी उसको लगता है कि ये झूठी कहानी जो सुना रहा है सबको, और सबको ऐसा दिखा रहा है कि ये कितना केयर करता है, ये अंदर से कितना बड़ा शैतान है, मेरे अलावा कोई समझ नहीं सकता। सोनाली भी उसकी बहन बन जाती है। और यहाँ पे जब इमली देखती है कि अब वो पूरी तरीके से हार रही है तो फैसला कर लेती है इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार भी होती है। खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है, पोस्ट का सीन बहुत मजेदार होता है। अब सौर्य घर में एंटर करने के बाद में इमली के लाइफ में भी एंटर कर ही जाता है, लेकिन बाद में रघुवेंद्र की सच्चाई जानने के लिए उस एकाएक से बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगता है और साथ में घर वालों को भी, ताकि इमली जल्दी से सच्चाई बता दे। सच में ये काफी मजेदार होने वाला है और काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला भी। तो बवाल तो होगा यार।